नमस्कार, सभी योग साधकों का स्वागत है। आज बाइक पर खास बात, इसीलिए कि हम और आप ज़्यादातर अपने कार्य को, अपने सरोकार को बाइक से ही पूर्ण कर रहे हैं। चाहे ऑफिस जाना हो या कॉलेज या दूसरे कुछ भी कार्य, गली मोहल्ले में जाने की हो तो बाइक ही हमारा होता है साथ। लेकिन बाइक पे बैठने की वजह से या लगातार बाइक चलाने से कई तरह की समस्याएँ घर कर गई हैं। खास तौर पर स्पाइन, कमर दर्द की समस्याएं ज़्यादा हो गई हैं। इसलिए आज हम आपको सूत्र बताएंगे कि बाइक पर अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल बाइक करते हैं तो किन बातों का रखें ख्याल, या बाइक चलाएं तो किन बातों का रखें ख्याल। साथ ही साथ भारत में जिस तरह की सड़कें हैं, चाहे कोई भी प्रांत हो, कोई भी प्रदेश हो, सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, ये तो आएंगे ही। ऐसे में जो झटका लगता है गड्ढे में अचानक की बाइक आ जाने से, वो आपके वर्टिब्रा यानी जो स्पाइन के बीच की गादी होती है उसके बीच में एक कंप्रेशन होता है, चोट पहुंचती है और उससे हमें कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हम कैसे बचें, इसीलिए आज बाइक पर ये ब्रह्म ज्ञान समझ सकते हैं आप। तो सबसे पहली बात, जब भी आप कोई भी बाइक चला रहे हों तो खास बात याद रखिए कि आप बैठें कैसे। तो आपके बैठने की स्थिति बिल्कुल सीधी हो, यानी आपका स्पाइन पूरी तरह से सीधी हो। कई लोग इस तरह से बाइक चलाते रहते हैं, उनको बहुत ध्यान नहीं रहता है कि इस तरह से बैठ करके बाइक चलाने से हमको क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। इसलिए आप हमेशा बाइक को थोड़ा सीधे स्पाइन करके चलाएं। एक बात, अगर लगता है कि आपका बाइक पर सीधा बैठना पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पर किसी तरह का फोल्डेड कंबल जैसा, यानी मुड़ा हुआ कोई कपड़ा या फोल्डेड ब्लैंकेट रख सकते हैं जो आपको सपोर्ट दे। आजकल पतला छोटा जैसा कुशन भी आता है, आप भी उसको सेट कर सकते हैं ताकि वो आपके हिप को सपोर्ट दे और आपका स्पाइन सीधी हो सके। एक बात, कई लोग झुक करके भी चलाते रहते हैं बाइक, इससे भी आपका शोल्डर बिगड़ रहा है, साथ साथ स्पाइन की समस्याएँ हो रही हैं। तो ये दूसरी बात महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो ख्याल में रखनी है आपको, कि खास तौर पे जैसे मैंने कहा कि अचानक आप बाइक जा रहे हैं और खड्ड में आ गए, आप स्पीड में चल रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं था कि कहाँ खड्डा आ जाएगा, और इस तरह से आपको कई बार फील होता होगा कि सॉकर होने के बावजूद भी, अच्छा सॉकर होता है बाइक में जो एब्जॉर्ब करता है उस छलांग को, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं भी बाइक चलाता हूँ, आप भी चलाते हैं, तो हम सब के अंदाजे में है कि स्पाइन पे कुछ तल पर चोट हल्की सी महसूस होती है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहली स्थिति यही है कि इस तरह से गड्ढों को बचा करके चलें, गड्ढा आए तो धीरे धीरे बाइक को उतारें। कभी कभी हम सोचते हैं अरे गड्ढा है, उछाल देते हैं गाड़ी, क्या दिक्कत है। ये बाइक के साथ साथ आपके शरीर के स्पाइन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन योगिक फार्मूला एक है कि जब भी अचानक गड्ढे में आप पहुँच जाएँ तो इमिडिएट आप एब्डोमिनल को यानी उड्डयन बंद को अंदर करें, यानी पेट को आपको सांस छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट करना है और मूल बंद लगाना है, यानी गुदा द्वार का संकुचन। अगर आपने मूल बंद और गुदा द्वार का संकुचन किया तो अभी आप करके देख सकते हैं, जैसे मैं गुदा और मूल बंद का संकुचन करता हूं, यानी मूल बंद और उड्डयन बंद, तो मेरी स्पाइन में एक लंबाई आती है, यानी स्पाइन इस तरह से लंबा हो जाता है। और ये जो सपोर्ट मिलता है इंटरनल लॉक का, जिसको बंद कहा हमारे ऋषियों ने, ये बंद क्या करता है, आपके स्पाइन को एक एब्जॉर्ब करने की क्षमता देता है, यानी उसमें जर्क लगेगा, चोट आएगी लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप छत से कूदते हैं या दीवार से कूदें खाली पैर और एक अच्छा जूता पहन करके कूदें तो आपके पैरों पर चोट कम पड़ती है, उसकी वजह यही एब्जॉर्बेशन, जो हम सॉकर लगाते हैं वही एब्जॉर्ब करने की क्षमता, कि झटके को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो जब जब आप मूल बंद और उड्डयन बंद लगाएंगे तो आपके स्पाइन पर जो सडन झटका होने वाला था और जिसके कारण जो आपकी डिस्क का इशू है, स्पाइन का वर्टिब्रा है, उस पर चोट लग सकती थी, उसको आप टाल सकते हैं। और भारत में अधिकतर युवा बाइक चलाते हैं और इन तमाम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको कमर दर्द की समस्याएँ आ जाती हैं। इसीलिए सीधी बात आप रखें ख्याल, और बीच बीच में अगर लंबे ड्राइव में, यानी यकीनन आप ज़्यादा बाइक चलाते हैं, तो आपको ख्याल रखना है कि कुछ कुछ समय पर आपको स्ट्रेच करना, अच्छा हो योग का अभ्यास करें जिसमें स्पाइन को लंबी करने की, जैसे बीच में आप आएँ
और इस तरह से रुक करके भी स्पाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं अगर लंबी ड्राइव पे जो है आप, तो आप देखें नी को बैंड कर सकते हैं अगर टाइट स्पाइन हो। तो ये जो स्थिति है ये आपके बाइक को, आपके स्पाइन को तैयार कर देता है बाइक पर लगातार चलने के लिए। लगातार ऐसे कई होंगे हमारे कि जो सर्विस देते हैं बाइक पे जाकर के, आपको कुछ खाना पहुंचाते हैं बाइक पर बैठ कर के, आपको होम डिलीवरी सामान करते हैं, उन तमाम भाइयों को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है कि उनकी समस्याओं को हम समझते हैं, उनकी तकलीफ़ों को। अगर फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपको तकलीफ है कमर दर्द की, तो डिस्क्रिप्शन में कमर दर्द के लिए 5-6 आसन का एक इफ़ेक्टिव सीरीज बनाया गया है, आप उसको नियमितता से अभ्यास करें और आपकी समस्याएं समाप्त होगी। तो आज इतना ही, धन्यवाद। आप ऐसे सभी बाइक के हमारे बंधुओं को, बाइक के बंधुओं को ख्याल रहे, ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि अनजाने ही सही वो जो गलती कर रहे हैं उनसे छुटकारा मिले और एक सही तरह से अपने शरीर को सुरक्षित रख करके बाइक की शानदार सवारी और अपने कार्य को अंजाम देते रहें। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।